जबरोच का मेक, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन इन वेरी गुड वर्किंग कंडीशन. दिस इज एन ओल्ड नेम फॉर टॉस. ये टॉस का पुराने डिजाइन का मशीन है. कंडीशन ऑफ द व्हील हेड एंड दिस स्पिंडल इज वेरी गुड. द मेक ऑफ दिस मशीन इज जबरोच का. दिस इज अ चेक रिपब्लिक मेक ब्रांड. The machine is complete with lots of spares with it. It is complete with a spare wheel and wheel flange. Two steadies are available and one dresser is also available. Wheel dresser and two point steady are available. Machine is complete with its coolant tank and coolant pump. To check for the accuracy of the machine, we have checked the repeatability of the wheel head. हमने यहाँ पे डायल लगा दिया है और अभी हाइड्रोलिक से बार बार व्हील हेड को आगे पीछे करके व्हील हेड की रिपीटेबिलिटी को चेक करेंगे. अगर व्हील हेड आगे हर बार सेम पोजीशन पे आ रहा है, विच मींस द एक्यूरेसी ऑफ द मशीन इज वेरी गुड. अभी आगे लाए हुए, पीछे ले जाओ. ठीक है, आगे ले आओ. ठीक है, पीछे ले जाओ, आगे ले आओ, पीछे ले जाओ, आगे ले आओ, फिर से ले आओ, फिर से ले आओ, आगे एक बार, लास्ट बार. As we can see, हर बार डायल वही अपनी एग्जैक्ट सेम पोजिशन पे आ रहा है, विच मीन्स द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मशीन इज वेरी गुड. हेंस द मशीन विल वर्क वेरी एक्यूरेटली. सबसे पहले इसका व्हील हेड का आगे पीछे जो हाइड्रोलिक से रैपिड ट्रैवल चलता है वो दिखा दो. ठीक है, ये जैसे ही व्हील हेड को पीछे भेजा, टेबल भी अपने आप रुक गई. आगे ले आओ, फिर आगे ले आओ. ठीक है, जैसे ये व्हील हेड को पीछे भेजते हैं, वर्क हेड भी अपने आप रुक जाता है. ठीक है, अब जैसे ही व्हील हेड को आगे लाएंगे, वर्क हेड भी चल गया और टेबल भी स्टार्ट हो गई. एक बार लास्ट बार दिखा दो ये. ठीक है, व्हील हेड पीछे गया, टेबल रुक गई एंड वर्क हेड भी अपने आप रुक गया. ठीक है जी, टेबल आगे चला के चला दो. ठीक है, जो इसका टेबल की अलग अलग स्पीड है वो दिखा दो. डिफरेंट स्पीड्स ऑफ टेबल ट्रैवल. हमने अभी टेबल की स्पीड को कम कर दी है, और कम कर दो. ठीक है, ये टेबल की स्पीड अभी भी एकदम धीरे कर दी है. देयर इज नो जर्क इन द टेबल मूवमेंट. टेबल स्लो स्पीड में भी एकदम ठीक काम कर रही है. तेज कर दो. सबसे तेज कर दो. ठीक है, ये टेबल की स्पीड को फिर से तेज कर दिया. ठीक है, इस मशीन में जो ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट है, ऑटो कट,
वो दिखा दो, दोनों तरफ से लगा देना। ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट, अभी हमने कट को दोनों तरफ से लगा दिया है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ये जो कट की डेप्थ है इसको यहां से इंक्रीज कर दो, ठीक है। ये अभी हमने कट की डेप्थ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहां से इसका प्रेशर जो ऑलरेडी फुल है, ठीक है जी। जो इसमें फ्रेंच ग्राइंडिंग है वो भी दिखा दो, फ्रेंच ग्राइंडिंग। अभी टेबल को रोकना प्रेशर से, प्रेशर कम करके, ठीक है। चलो ऐसे दिखा दो, प्लंज ग्राइंडिंग। अभी हमने टेबल को रोक दिया है, बट फिर भी क्योंकि ये प्लंज ग्राइंडिंग मोड में व्हील हेड अपने आप आगे आ जा रहा है, इसको टेबल चलते हुए के साथ भी दिखा सकते हैं और टेबल को स्टॉप करके भी दिखा सकते हैं। अभी हमने टेबल को स्टॉप कर लिया और तो भी धीरे धीरे प्लंज ग्राइंडिंग करता हुआ व्हील हेड आगे आ जा रहा है, ठीक है जी। टेबल चला दो, ठीक है। और फिर से जो ये नॉर्मल कट है वो चला दो, नॉर्मल कट पे, ठीक है। हमने व्हीलर पीछे भेज दिया, आगे कर दिया, तो फिर से अभी ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट चालू हो गया, जो दोनों तरफ टेबल के लेफ्ट या राइट से कट चलेगा, ठीक है जी। डिले फीचर, अभी हमने डिले को ऑफ किया हुआ है, टेबल जैसे ही लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला स्टॉपर लगता है वो अपने आप एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ये डिले फीचर को अभी एंगेज कर दो, ठीक है। डिले को एंगेज कर दिया, अभी हल्का सा रुकेगी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से और फिर चलेगी। ये डिले को और इंक्रीज कर दो, ठीक है। अभी हमने डिले को बढ़ा दिया है, अब जब भी लेफ्ट साइड वाला स्टॉपर लगेगा या राइट साइड वाला स्टॉपर लगेगा मशीन की टेबल अपने आप रुक जाएगी। जितना भी हमने अभी डिले ज़्यादा सेट किया हुआ है तो ज़्यादा देर रुक गई, एंड जैसे ही वो फिर ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप चल पड़ेगी दूसरी तरफ। अभी राइट साइड पर जैसे ही स्टॉपर लगेगा रुक जाएगी, ठीक है। दिस इज द डिले फीचर, डिले को ख़त्म कर दो अब, ठीक है। डिले को ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। दी वर्क हेड राइट नाउ इट इज रोटेटिंग एट 25 RPM, ठीक है। रोक दो, 50 के आसपास कोई दिखा दो, कितना हो गया, 60 RPM, ठीक है। और तेज कर दो, RPM। अब जो भी मैक्सिमम है वो दिखा दो, 600 RPM, 600 RPM, ठीक है जी। वर्किंग ऑफ दी हाइड्रोलिक टेल स्टॉक, इसमें फुट ऑपरेटेड हाइड्रोलिक टेल स्टॉक है, चलाओ, आगे ले आओ, पीछे ले जाओ, फिर से अंदर ले जाओ, ठीक है। एक बार और दिखा दो, ठीक है। इट इज एन एक्सटर्नल टाइप हाइड्रोलिक सिलेंड्रिकल ग्राइंडर हैविंग रोटेशन इन दी व्हील हेड एज वेल एज इन दी वर्क हेड। द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स एसेसरीज इंक्लूडिंग अ स्पेयर व्हील एंड स्टडी। द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन।